अगर रहस्यमय जगहों और घटनाओं की बात आती है तो भारत का नाम जरूरी लिया जाता है। इस देश की मिट्टी अपने अंदर लाखों साल का रहस्य समेटे हुए है, लेकिन आज हम मिट्टी के रहस्यों की नहीं बल्कि ऐसी जगहों और घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि आज भी उनके रहस्यों से पर्दा नहीं उठाया जा सका है। तो फिर तैयार हो जाइए फैक्ट्स टीवी हिंदी के एक नए और शानदार वीडियो के लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन दबा लीजिए। नंबर वन, दुनिया में 1000 बच्चों में 9 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन हम कहें कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां एक नहीं बल्कि सैकड़ों जुड़वा बच्चे हैं। आप कहेंगे कि ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल का कोडनी गांव जुड़वा बच्चों के लिए दुनिया भर में फेमस है। साल 2008 में जब यह खबर निकलकर सामने आई तो कई शोधकर्ताओं ने भी इस पर विश्वास नहीं किया था। जुड़वा बच्चों की गुत्थी सुलझाने के लिए भारत, लंदन और जर्मनी के शोधकर्ताओं के एक समूह ने अक्टूबर 2016 में कोडनी का दौरा किया। उन्होंने डीएनए का अध्ययन करने के लिए बाल, सलाइवा और कई नमूने लिए थे, लेकिन इन सब के बाद भी ये रिसर्च इस रहस्यमय घटना के पीछे का कोई सीधा वैज्ञानिक कारण बता नहीं सकी। इस गांव में जुड़वा बच्चों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। नंबर टू, मंदिरों का देश कहे जाने वाले भारत में हर मंदिर की एक कहानी है, लेकिन भारत के कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनकी कहानी और उनका रहस्य आज भी विज्ञान से परे है। ऐसा ही एक मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित है और इस मंदिर का नाम है लेपाक्षी मंदिर। अपनी बनावट से लोगों को मोहित करने वाले इस मंदिर का हैंगिंग पिलर का रहस्य आज भी लोगों को उलझा देता है। इसी पिलर के कारण इस मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। लेपाक्षी मंदिर में कुल 70 खम्भे हैं, जिसमें से एक खम्भे का जमीन से जुड़ाव ही नहीं है। एक खम्भा रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर थ्री, महाराष्ट्र के पुणे से महज कुछ ही दूरी पर शिवपुर है। इस जगह एक दरगाह है जिसे सूफी संत कमर अली शाह की दरगाह भी कहा जाता है। यहाँ एक पत्थर है जिसका वजन 90 किलोग्राम के आसपास है। इस पत्थर को कोई भी कितना भी बलशाली व्यक्ति अकेले उठाता है तो कुछ ही पल में उसकी हालत पतली हो जाती है, लेकिन इसी पत्थर को जब 11 लोग एक साथ मिलकर सूफी संत का नाम लेकर उठाते हैं तो वह पत्थर इतना हल्का महसूस होता है कि उसे कानी उंगली से भी उठाना मुमकिन हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार 800 साल पहले यह दरगाह एक अखाड़ा हुआ करती थी। इसी अखाड़े के पास एक सूफी संत कमर अली का पहलवान मजाक उड़ाते थे। इससे नाराज होकर उन्होंने एक पत्थर पर मंत्र फूंक दिया था। यह वही पत्थर है। इस रहस्यमय पत्थर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर फोर, दिल्ली की कुतुब मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। इसी कुतुब मीनार के परिसर में एक लौह स्तंभ लगा हुआ है। सामान्य सा दिखने वाला यह लौह स्तंभ किसी चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार है इसको बनाने में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी। यह स्तंभ सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। इतिहासकारों के अनुसार इस स्तंभ को करीब 1600 साल पहले गुप्त वंश के शासकों ने दिल्ली के बाहर बनवाया था और इसको बनाने में उन्नत वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल किया गया था। इस पर हुई एक रिसर्च में कहा गया है कि इस स्तंभ में मीसा वाइट नाम की एक लौह ऑक्सीहाइड्रॉक्साइड परत चढ़ाई गई है, जबकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसको बनाने में बूज स्टील का इस्तेमाल किया गया। इसमें कार्बन के साथ साथ टंगस्टन और वैनेडियम की भी मात्रा होती है जो कि जंग लगने की गति को काफी हद तक कम कर देती है। लेकिन 1998 में कानपुर IIT के प्रोफेसर द्वारा की गई एक अन्य रिसर्च में बताया गया कि इस लौह स्तंभ को बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस मिलाया गया था, जिसके कारण इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फास्फोरस की खोज का श्रेय हेनिंग ब्रांड को जाता है, जिन्होंने 1669 में गलती से फास्फोरस को खोजा था, जबकि उनकी खोज से 1200 साल पहले इस स्तंभ को भारतीयों ने तैयार कर दिया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्राचीन भारत के लोगों को फास्फोरस की जानकारी पहले से ही थी? अगर ऐसा था तो इतिहासकारों ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? हालांकि भारतीय इतिहासकारों पर हमेशा से सच छुपाने के आरोप लगे हैं। अब ये पिलर कैसे बनाया गया, इस पर रिसर्च होती रहेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि प्राचीन भारत के लोग धातुओं के संबंध में कुछ ऐसा जानते थे जो कि आज भी लोगों को पता नहीं है। नंबर फाइव, अगर भारत के रहस्यमय जगहों की बात आती है तो उसमें असम के जतिंगा को जरूर याद किया जाता है, जहां हर साल हजारों पक्षी घरों, गाड़ियों और पेड़ों से टकराकर सुसाइड कर लेते हैं। पक्षियों के ये सुसाइड की घटनाएं सितंबर से नवंबर के महीनों में होती हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसका रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन एक्सपर्ट की ये थ्योरी भी कई लोगों को बिना सर पैर की लगती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स को लेकर कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च नहीं हुई है और न ही इसका कोई सटीक पता चल सका है। बाकी वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।